नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, आप देख रहे हो वीवीएल न्यूज़। विभागीय उदासीनता और अधिकारियों की छोटी छोटी गलतियां आज वसई विरार की सड़कों से गुजरने वाले लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। सड़कें हैं पर चलने की जगह नहीं। अवैध रिक्शा चालकों और अवैध पार्किंग और अवैध फेरी वालों से अतिक्रमण के चलते राह चलना मुश्किल हो गया है। महानगर पालिका व ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से राह चलना मुश्किल ही नहीं, आपराधिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि वसई विरार का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर नाला सोपारा में फेरी वालों और अवैध रिक्शा चालकों व सड़कों पर पूरी तरह से कब्जा है। इस समस्या को लेकर तुलिंज पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई शैलेंद्र नगरकर ने चार्ज लेते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को नाला सोपारा फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे अवैध कब्जा जमाए सैकड़ों फेरी वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से नाला सोपारा रहवासियों ने थोड़ी राहत की सांस ली। नागरिकों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई रोज होनी चाहिए ताकि भीड़ भाड़ कम हो सके और लोग अच्छे से और आसानी से चल सके सड़कों पर। आपको बता दें, अवैध रिक्शा लगातार नाला सोपारा में बढ़ते जा रहे हैं। जहां देखो वहां अवैध रिक्शे हैं, ना उनके पास वर्दी है ना कुछ है। उसके बाद फेरी वाले हैं सबसे बड़ी समस्या। फेरी वाले लगातार नाला सोपारा में अवैध फेरी वाले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस ने आज फेरी वाले और अवैध रिक्शा चालकों पर कार्रवाई शुरू कर ली है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाला सोपारा में अवैध रिक्शा का चलने का कारण क्या है, इसके पीछे क्या पुलिस है या कौन है, इसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिर मिलेंगे एक नई खबर और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।